हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3। टुडे इन अवर मैथ्स क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 8.5 एंड 8.6। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। एक्सरसाइज 8.5 ए बी सी डी एंड देन एक्सरसाइज 8.6। हेलो क्लास 3 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। आज हम बेटा एक्सरसाइज 8.5 एंड 8.6 करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 8.5 से। 8.5 में हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ्स। जैसे आपको पता है हमने सब्ट्रैक्ट एडिशन किए थे, सब्ट्रैक्शन किए थे, है ना, किए थे ना बेटे? बिल्कुल ऑर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पैटर्न पे थे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी जो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं है। सिंपल जैसा हमने मल्टीप्लाई में सीखा है पीछे अपने यूनिट्स में, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क यहाँ से। फर्स्ट जो हमें गिवन है मीटर एंड सेंटीमीटर, और 46 मीटर 52 सेंटीमीटर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सबसे पहले टेबल्स आने चाहिए। आई थिंक आप सबको टेबल्स आते हैं बेटा। यस, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो 3 टू ज़ा कितना होता है बेटा? 3 टू ज़ा 6, एंड 3 फाइव ज़ा 15 होता है। 3 फाइव ज़ा 15, 5 आपने यहाँ लिखा, 1 आपका इधर आ गया बेटे कैरी। अब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 कैरी। जो ये कैरी है ये नेक्स्ट पे ही जाएगा, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कर रहे थे ना, बिल्कुल सिंपल बोरो ले रहे थे या एडिशन में कैरी आगे कर रहे थे। यस सेम। तो अब आप इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का टेबल तो आप सबको बहुत ईजी, आई थिंक फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी आता है, मेरी थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स का तो 100% आता होगा, है ना। सो 3 × 6 इज इक्वल टू 3 6 18 होता है। अब 18 को प्लस किया 1 से जो कैरी था, तो हो गया 19। तो 9 आपका इधर आके ये बन गया 1 कैरी। एंड 3 4 यस टेल मी, 3 4 12, एंड 12 + 1 13। सो दिस इज योर आंसर, 139 मीटर 56 सेंटीमीटर। क्लियर? लेट्स कम टू बी। ए में कोई प्रॉब्लम? नो, सिंपल है। बी आपको बी में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब आपको दिया 429 मीटर 50 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 0 0 0, एंड 4 5 20, तो आपने ये लिखा 0, और 2 आपका इधर क्या हो गया बेटे कैरी हो गया नेक्स्ट वन पे। अब आप इस 4 को आप ऐसा नहीं इस 2 को यही नोट कर दे, नहीं, ये नेक्स्ट पे कैरी जाएगा। तो 4 9 जा कितना होता है? 4 का टेबल बोल के बताइए मेरे को फटाफट। यस, 4 9 जा 36, वेरी गुड। 36 + 2, तो 36 + 2 कितना होता है? 38, ये आ गया 3 कैरी। और 4 2 जा 8, 8 + 3, तो 8 + 3 कितना होता है? 9 10 11, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हुआ आंसर? 118 मीटर और 0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप आ जाइए नीचे सी। हम सी सॉल्व करेंगे। तो सी में जो हमें गिवन है वो है 83 किलोमीटर 209 मीटर, और इसे मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब 7 का टेबल आप सभी को आता ही होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 जा कितना होता है? यस, फटाफट टेबल बोलिए 7 का। हाँ, 7 9 जा टेल मी द आंसर फास्ट, 63। सो ये आपका आ गया 3, ये 6 बन गया यहाँ पे कैरी। 7 0 जा 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 0। तो 7 0 जा 0, और 0 + 6 कितना हो गया बेटे? 6 हो गया, है ना। अब 7 2 जा 7 2 जा कितना होगा? 14। तो 4 इधर 1 कैरी, तो 4 इधर आ गया 1 कैरी आया। 7 3 जा 21, और 21 के साथ जब 1 प्लस किया, 21 + 1 कितना होता है?
22, तो ये आपका इधर आ गया 2 एंड 2 कैरी. सो 7 3 इज़ 21 प्लस 1 22, 2 हियर 2 कैरी, 7 8 इज़ 56 एंड 56 जो होता है उसको हम जब 2 से प्लस करेंगे, 7 8 इज़ 56, 56 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 56 प्लस 2 यस 57, 58. तो ये आपका आ गया 8 हियर, 5 आपके पास कैरी था, नीचे कुछ नहीं इसलिए 5 मेरा इधर आ गया. सो 582 किलोमीटर 463 मीटर. क्लियर आया समझ में बेटा? अब आप आ जाइए डी पे. डी करेंगे हम नेक्स्ट. 152 किलोमीटर एंड 102 मीटर, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. मल्टीप्लीकेशन आता है बहुत इजी है. तो 2 2 जा कितना होगा? 4. 2 0 जा 0, 2 1 जा 2. यहाँ तक सॉल्व हो गया. अब आगे वापस आ जाइए. 2 2 जा यस 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 2 into 5 is equal to 10. सो 0 हियर 1 कैरी. 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3. सो 304 किलोमीटर एंड 204 मीटर. यस यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज क्या थी बेटा? 8.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ्स, है ना? कोई प्रॉब्लम? यस नो? अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना जिससे मैं वीडियो भेजती हूँ अपनी ये वाली? यस. ठीक है, और ये जो वर्क मैं आपको इसकी फोटोज सेंड करती हूँ, ये वर्क भी आपको अपनी कॉपी में करना है. ये नहीं है कि आप यहाँ पे इस वर्क को नहीं करेंगे, वर्क भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, फिनिश करना है. अब हम करेंगे डिवीजन. क्या करेंगे बेटे? डिवीजन. ये तो हमने किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी पेज नंबर 101 पे है वो है डिवाइड. क्या है? डिवाइड. बहुत ईजी है डिवाइड. आप सबको आता है? यस और नो? जैसे हमने नॉर्मल डिवाइड किए थे ना, यस, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 8. कौन सी करेंगे हम? 6. 8.5 तो अभी अभी हमने की है. 8.6 में हम करेंगे डिवाइड. क्या करेंगे बेटा? डिवाइड. तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं. यस, सो एक्सरसाइज 8.6 पेज नंबर क्या है? 101. और इसमें हमें सिंपल क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड, है ना? डिवाइड में हमें ए में क्या गिवन है बेटा? ए में गिवन है 366 किलोमीटर. ए इज 366 किलोमीटर 108 मीटर. बाय का मतलब है कि हमें किससे डिवाइड करना है इसको? 3 से. किससे डिवाइड करना है? 3 से. अब सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन गिवन है तो हमने देख लिया. अब हम करेंगे जैसे हम डिवाइड के लिए इस तरह से क्या बनाते हैं, एक छोटा सा यस लाइन खींच के ये हमने टेबल बना दी. अब इसके अंदर हम अपने नंबर्स को नोट करेंगे. नोट करने से पहले हम देखते हैं कि मुझे एक तो दिया है किलोमीटर एंड मीटर. लिख लिया बेटे किलोमीटर एंड मीटर. अब किलोमीटर कितना है? 366 किलोमीटर के नीचे नोट किया और मीटर है 108, इसे हमने वन साइड में नोट कर दिया. अब डिवाइड किससे करना है? 3 से. ठीक है, अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या करिए, किलोमीटर को थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए और मीटर को भी थोड़ा सा ऊपर. अब हम 3 से यहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं. यहाँ पे भी 3 है. क्या ये 3 3 की टेबल में आता है? यस. 3 वन ज़ा 3, 3 माइनस 3 0. डिवाइड तो आता ही है. अब हम नेक्स्ट नंबर को नीचे नोट कर लेते हैं. ये क्या है? 6. तो 3 की टेबल में 6 आता है बेटा. 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, आ गया 6. तो 6 माइनस 6 फिर से आ गया 0. अब ये जो नेक्स्ट वन था इस नंबर को भी नीचे नोट किया मैंने, कर लिया. ये क्या है? 6. तो यहाँ पे 3 है, 3 की टेबल में ये 6 आता है. यस yes, अभी अभी हमने किया था 3 टू ज़ा 6. तो 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0. तो आपने ये क्या देखा, ये मेरे पास क्या है? 122 किलोमीटर. अब मेरे पास में बचा है मीटर. तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे और जो मीटर गिवन है इसको एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ नोट कर लेंगे. और ये मेरा है मीटर. इसको भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे.
समझ आया बेटा? हमने जो ये मीटर मीटर गिवन था, इस मीटर को मैंने नीचे अलग से नोट कर लिया, ये यहाँ पे मेरा सॉल्व हो चुका है, फिनिश हो चुका है। डिवाइड में आपको ये ध्यान रखना है ना। अब आप इसको डिवाइड किससे करेंगे? थ्री से ही करेंगे, जिससे आपको डिवाइड करने के लिए दिया था। क्योंकि यहाँ पे वन है तो मुझे पता है वन तो थ्री की टेबल में नहीं आता, तो थ्री जीरो सा जीरो, वन से छोटा नंबर क्या आता है थ्री की टेबल में? जीरो। तो वन माइनस जीरो वन। अब ये जीरो नीचे नोट कर लिया, हो गया बेटा सॉरी तो ये हुआ टेन। अब आपको पता है ये जो टेन है, थ्री की टेबल में टेन आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। टेन से बिग है ट्वेल्व, और ट्वेल्व से जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो थ्री के टेबल में आया वो था थ्री, थ्री जा नाइन, और टेन माइनस नाइन हमने किया तो आया वन। अब मैं इस एट को इसके पास नोट कर लेती हूँ, यहाँ तक हो गया। अब थ्री के टेबल में एटीन चेक करते हैं, यस थ्री सिक्स जा एटीन, सॉरी थ्री सिक्स जा एटीन। सो एटीन माइनस एटीन क्या हो गया बेटा? जीरो। ये आपका है मीटर, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आया वो है 122 किलोमीटर एंड 36 मीटर। कंप्लीट, क्लियर बेटा? सो इट्स क्लियर टू यू? आपको डिवाइड करना समझ में आया? डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो भी यूनिट्स गिवन है उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। पहले पहले वाले को पूरा डिवाइड कर दिया, और जो सेकंड मुझे गिवन था, मीटर गिवन था ना, इसको भी मैंने डिवाइड किया, लेकिन नीचे नोट करके अलग से डिवाइड किया, और इस तरह से नोट कर लिया जो भी मेरा क्वेश्चन आया। ये था आपका इसका 8.6 का ए। क्या था बेटा? 8.6 का ए, है ना। अब हम इसी का ही नेक्स्ट करेंगे बी। क्या करेंगे बेटा? बी। तो चलिए बी स्टार्ट करें, यस। देखते हैं बी में हमें क्या गिवन है। लेट्स सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर बी। बी में मुझे गिवन है 286 किलोमीटर 60 मीटर बाय 2। अब आप सिंपल एक ब्लॉक बना लीजिए, और यहाँ गिवन है एक साइड किलोमीटर और ये मीटर, नोट कर लिया। अब ये आ गया 286 और इधर आ गया 60। लेकिन आपको पता है कि मीटर में हमेशा 3 डिजिट होते हैं, यहाँ लगाएंगे हम 0। और इसे डिवाइड किससे करना है? 2 से, ठीक है। अब क्योंकि ये किलोमीटर है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने। अब आप इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 वन ज़ा 2। डिवाइड तो आप सीख चुके हैं मुझसे कैसे डिवाइड करते हैं। सो 2 माइनस 2 कितना आया बेटा? 0। अब यहाँ नीचे इस 8 को मैंने यहाँ नोट कर लिया। क्या ये 8 2 के टेबल में आता है? बोल के देखो, यस 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया फिर से। अब आप ये नेक्स्ट नंबर जो है 8 माइनस 8 0 होता है, नेक्स्ट नंबर मैं इसके पास नोट करूंगी वो है 6, ठीक है। 6 आता है 2 की टेबल में, बोल के देखिए फास्ट, यस 2 3 जा 6। तो 6 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? फिर से 0 हो गया। यहाँ मैंने अपना किलोमीटर फिनिश कर दिया, यहाँ साइड में लिख लेती हूँ 143 किलोमीटर 143 किलोमीटर, है ना। अब मेरे पास क्या बचा बेटा? मीटर। तो मीटर यहाँ नोट कर दिया मैंने, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से ही डिवाइड करना है, जिससे मैंने पहले डिवाइड किया है, 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको अलग से नीचे नोट किया ताकि हमें किलोमीटर और मीटर में डिफरेंस करके इजीली डिवाइड कर सके। अब आपको पता है 2 0 जा 0, 0 2 की टेबल में 0 कहाँ आता है? 0 से मल्टीप्लाई करके आता है। सो 0 माइनस 0 0। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जैसे डिवाइड में नोट करते हैं, नेक्स्ट नंबर नीचे नोट किया और ये है 6, तो 2 की टेबल में 6 कहाँ आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2 3 जा 6, फिर से 6 माइनस 6 0 आ गया, और ये जो नेक्स्ट नंबर था 0 नोट कर लिया। अब आप ऐसा नहीं इसे यहीं फिनिश कर दे, नहीं, जो आपने नंबर नीचे नोट किया एक बार तो आपको उसे डिवाइड करना ही होगा। तो 0 लिखा है ना, तो आपको पता है 2 की टेबल में जो 0 है वो 0 से ही
माइनस कर मल्टीप्लाई करके आता है ना। सो 2 0 0 और यहाँ मेरे पास जो मीटर आया वो आया 30 मीटर। सो ए एंड बी हमने इसकी फिनिश कर लिए बेटा, ए एंड बी। अब हम करेंगे इसी का ही सी। बी में देखा आपने मैंने कैसे डिवाइड किया है ना, तो सी अभी करेंगे और डी एंड ई उसके बाद आपके होंगे होमवर्क। तो लेट्स कम टू सी। चलिए सी देखते हैं। सी में हमें क्या गिवन है, सी में हमें गिवन है 497 मीटर। सी में क्या है बेटा, 497 मीटर 70 सेंटीमीटर बाय 7। किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब क्योंकि 7 का टेबल तो आप सबको आता ही है ना, तो सबसे पहले हमें गिवन है मीटर सेंटीमीटर। अब ये मीटर में दिया है 497, क्योंकि मैं यहाँ मीटर के नंबर्स नोट करूँगी इसलिए थोड़ा ऊपर लिख दिया। 7 से मुझे डिवाइड करना है, सेंटीमीटर है 70। यहाँ तक आपको आ गया समझ में ब्लॉक में कैसे लिखना है हमें, है ना बेटे। अब क्योंकि यहाँ मेरे पास में 497 मीटर है, सबसे पहले दिया है 4 आपको पता है 7 से लेस है, 7 1 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 0 0, क्योंकि 4 से स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 ही आता है 7 की टेबल में, और ये 4 मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है 9, मैंने यहाँ नोट किया 49 है, और 7 की टेबल बोलिए आप, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, यस 7 7 49, ये आ गया 49। सो 9 - 9 0, 4 - 4 0। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट 7 को यहाँ नोट कर लीजिए, कर लिया, और 7 1 7। अब 7 - 7 कितना होता है बेटा, फिर से वही 0, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 71 मीटर। ये सॉल्व हो गया। अब मेरे पास बचा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे नीचे ही जैसे बाकियों को किया था सेम प्रोसेस से नोट कर लेती हूँ। सेंटीमीटर 2 डिजिट के ही होते हैं इसलिए 3rd डिजिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका सेंटीमीटर है, और 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 मुझे दिया है डिवाइड करने के लिए, है ना। अब मैं 7 है तो 7 1 7, तो 7 - 7 कितना होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। अब आपके पास जो 0 बचा आप उसे नीचे लिखेंगे और यहाँ छोड़ेंगे नहीं कि 0 आ गया, नहीं, अभी आपको ये नंबर जो नोट किया एक बार इसको डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है मेरा। तो अब 0 है, 7 के टेबल में 0 कहाँ आता है, बोल के देखिए, 7 0 0 0 आ गया बेटा इजीली। कितना आया आपके पास, 10 है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी 71 मीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इसका है डी, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ई आपको होमवर्क में दे देती हूँ, आई थिंक इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। करें बेटा, ई होमवर्क है और डी हम यहीं पे करेंगे। तो ये आपने देख लिया सी कैसे सॉल्व किया हमने, अब आप आ जाइए डी पर। तो आज हमने एक तो मल्टीप्लीकेशन सीखा था ना, मल्टीप्लीकेशन के हमने 4 क्वेश्चंस किए थे 8.5 के, जो बुक में ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में स्पेस दी हुई है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं डी पे। डी जो है उसमें मुझे क्या गिवन है, डी में मुझे गिवन है 51 मीटर 39 सेंटीमीटर बाय 3 से डिवाइड करना है। तो सिंपल वही मीटर सेंटीमीटर, 51 मीटर है और 39 सेंटीमीटर नोट कर लिया, किससे डिवाइड करना है, 3 से। यहाँ तक तो आ गया आपको समझ में ब्लॉक में कैसे लिखना है। अब ये 51 है तो पहले लिखा है 5, 3 की टेबल में 5 आता है क्या, 3 1 3, 3 2 6, 6 तो 5 से बिग है, यानी 6 आता है 5 नहीं आता, तो 6 तो बिग है, तो 6 से जस्ट स्मॉल क्या नंबर आया था, 3 1 3, ठीक है। 5 - 3 कितना हुआ बेटा, 2, और ये जो आगे जो नंबर था वो मैंने नीचे नोट कर दिया, वो बन गया 21। अब 3 के टेबल में 21, बोल के देखिए 3 के टेबल में 21 आता है क्या, यस, कितना होता है, यस, 3 5 15, 3 6 18, 3 7
21, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, यानी मेरे पास यहाँ पे 17 मीटर आ गया। अब मेरे पास बचा क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो बहुत इजी है ना बेटे, यहाँ नोट किया 39 और 3 से कर लो आप तो क्या होगा, ये आपका सेंटीमीटर है, नोट कर लिया। 3 से किया तो 3 वनजा 3, नीचे लिखो 9, इजी है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 से आता है, अब दिया 9, 9 3 के टेबल में आता है क्या, बोल के देखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया 3 3 जा 9, और 9 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 0। अब 17 मीटर और 13 क्या है आपके पास, सेंटीमीटर। 13 क्या है बेटे, सेंटीमीटर है ना। तो 51 मीटर 39 सेंटीमीटर बाय 3 जब मैंने किया तो मेरे पास आया 17 मीटर 13 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक इसे किससे कैसे करेंगे, जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका इसको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई है, ये है आपका होमवर्क, कौन सी एक्सरसाइज 8.6। क्लियर बेटा, एक्सरसाइज 8.6 जो है ये आपकी, इसमें से ई जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। कौन सा क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, ई। सो डू दिस वर्क इन योर बुक विद गुड हैंडराइटिंग, नीट एंड क्लीन। कोई भी डाउट है आपके पास मेरे नंबर हैं, आप उस पर क्लियर कर लीजिए मुझसे डाउट पूछ के। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम, बाय बेटा।